नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात के दंगे की आग में कई परिवार जले थे, उसी में से एक परिवार था बिल्किस बानो का। उनके साथ गैंग रेप हुआ था। रेप के समय गर्भवती थी और बच्चे समेत 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब ये मामला जो है आया था एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी बिल्किस बानो ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो उस याचिका को खारिज कर दिया है। अब बिल्किस बानो के पास क्या विकल्प है और क्यों पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, इस पे बात करते हैं। दंगे की आग में एक परिवार झुलसा, गैंग रेप हुआ, सीबीआई को जांच सौंपी गई और 2008 में मुंबई की अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। 11 दोषी आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे, 15 साल पूरे हो गए थे। इसी में से एक दोषी निकलता है और आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में और कहता है कि उसे अच्छे आचरण के आधार पे इस मामले में सज़ा में रियायत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कुछ नहीं किया और ये कहा कि 1992 की नीति के अनुसार राज्य सरकार इस पर फैसला करे और निर्देश दे करके लौटा देता है। गुजरात सरकार ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई, कमेटी ने पुनर्विचार किया और पुनर्विचार करने के बाद रिहाई का फैसला ले लिया और उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी भी ले ली। उसके बाद 15 अगस्त 2022 को दोषी रिहा हो जाते हैं। रिहा होने के बाद हंगामा मच गया कि जिस समय देश जो है जश्न आज़ादी मना रहा था, उसी समय बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो है आज़ाद हो गए। बिल्किस बानो का भी बयान आया, उन्हें न्याय कहाँ से मिलेगा, वो अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करें। और बहुत सारे एक्टिविस्ट, खास तौर से जो AIIM अध्यक्ष हैं असदुद्दीन उबैसी, तो वो तो मानो बरस पड़े। बहुत सारे लोगों ने इससे जो फैसला हुआ था गुजरात सरकार का, उसको लेकर के आवाज़ उठाई और बिल्किस बानो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लेकर के आई कि आप ही के निर्देश पे गुजरात सरकार ने यह फैसला किया और 1992 की नीति के अनुसार फैसला किया, जबकि जो नई नीति लागू है उसमें रेप और हत्या के आरोपियों के साथ या दोषियों के साथ ये व्यवहार नहीं किया जा सकता, ये फैसला नहीं हो सकता, लिहाजा आप अपने फैसले पे पुनर्विचार करें। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की 13 दिसंबर को और उसके बाद फैसला सुना दिया कि जो गुजरात सरकार ने फैसला लिया है 1992 की नीति के अनुसार वो एकदम सही है, क्योंकि जब इस मामले में सजा हो रही थी 2008 में तो वही नीति लागू थी। तो आप यदि कानूनी आधार पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला है वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड दिखता है कि 1992 की नीति के अनुसार फैसला हुआ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है और ये सजा के समय वही नीति लागू थी। जहाँ तक नवीनतम जो लेटेस्ट नीति है वो बाद की है, लिहाजा इस पर लागू नहीं होती। अब इसके बाद सवाल उठता है कि बिल्किस बानो क्या करेंगी। तो स्वाति मालीवाल हैं जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है कि न्याय की उम्मीद किससे की जाए। मान के चलिए कि अब आवाज़ उठेंगे, न्याय मांगा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं करेगा तो कौन न्याय करेगा। अब इस मामले में क्या हो सकता है, क्योंकि जो 11 छूटे हैं उसको बिल्किस बानो लेकर के कहती रही हैं कि उनसे उन्हें डर लगता है, उनकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। और ये भी सवाल उठे हैं कि जिन लोगों ने इतना घिनौना काम किया, उनका स्वागत किया गया छूटने के बाद, तो वो तो बहस होगी और मांग भी उठेगी, लेकिन रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाने के बाद अब बिल्किस बानो के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचा है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए खबर। थैंक